तो दोस्तों, हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुके हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे साइजर ग्रेन होते हैं वो कैसे दिखते हैं और वो ग्रेन कैसे होते हैं और हम उसको साइजर ग्रेन क्यों बोला जाता है, उन्हें वो साइजर ग्रेन उन्हें किस लिए बोला जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि साइजर ग्रेन कैसे होते हैं और उन्हें साइजर ग्रेन के नाम से कैसे जाना जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे साइजर ग्रेन किसे बोला जाता है। जैसे कि हम बात कर लें, ये जो हमारे पास वैरायटी है वो हमारे पास 11-21 की वैरायटी है और 11-21 वैरायटी के हमारे पास साइजर के ग्रेन हैं। दोस्तों, जो साइजर के ग्रेन होते हैं वो सबसे अलग ग्रेन होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसकी वैरायटी की बात कर लेते हैं। जो ये हमारे पास वैरायटी है वो है 11-21 की। 11-21 की वैरायटी हमारे पास है और 11-21 के साइजर ग्रेन हमारे पास है। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात कर लें तो इसकी लेंथ हमारी 8 mm तक होती है, क्योंकि साइजर ग्रेन है छोटे होते हैं। ये हमारे बंड में नहीं जाते हैं, ये साइजर जो हमारी मिलिंग प्लाट में साइज लगी हुई रहती है उसमें निकल जाते हैं। तो साइजर ग्रेन की जो पहचान है, सबसे बड़ी पहचान तो ये है दोस्तों, ये ग्रेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले ग्रेन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थिन ग्रेन होते हैं। ये इनकी पूँछ जो होती है नीचे की टेल, वो बहुत ज़्यादा दबी हुई रहती है, एकदम ऐसा लगता है किसी ने पकड़ कर खींच दी हो, दबी हुई रहती है ये। और ये बहुत ज़्यादा पतले ग्रेन होते हैं, जैसे आप देखेंगे इन्हें। अभी तो मेरे पास जो भी ग्रेन है मैं आपको बता सकता हूँ, उसमें जो भी ये ग्रेन है हमारे बहुत ज़्यादा बारीक ग्रेन होते हैं, पतले ग्रेन होते हैं ये। तो हम इससे जान सकते हैं हमारा जो भी पतला ग्रेन होता है वो ग्रेन हमारा साइजर का ग्रेन कहलाता है दोस्तों। और हम अगर शेप की बात कर लें, इसका शेप तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये पतला ग्रेन होता है, थिन ग्रेन होता है। पूँछ जो होती है वो ऐसा लगता है जो खिंची हुई है। अगर हम इसकी शॉकिंग की बात कर लें, अगर हम इसको बनाएंगे और इसकी शॉकिंग जो करेंगे हम, इसकी भी शॉकिंग हम आधा घंटा ही करेंगे। स्टीम का साइजर है हमारे पास, तो आधा घंटा भी शॉकिंग इसकी होगी और कुकिंग जो है वो 8 से 10 मिनट में इसकी भी कुकिंग हो जाएगी। और इसकी जो सबसे बड़ी पहचान तो दोस्तों यही रहती है कि ये ग्रेन पतले ग्रेन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थिन ग्रेन होते हैं, हेल्थी ग्रेन नहीं होते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये ग्रेन जो होते हैं साइजर के ग्रेन, वो अनहेल्थी ग्रेन होते हैं, इनकी हेल्थ नहीं होती है। बहुत ज़्यादा पतले ग्रेन होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन ग्रेन होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान, मैं बार बार आपसे यही बताना चाहता हूँ कि इनकी सबसे बड़ी पहचान एक ही पहचान रहती है, ये ग्रेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले बारीक ग्रेन होते हैं, थिन ग्रेन होते हैं, अनहेल्थी ग्रेन होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो मैंने बताने की कोशिश की है आपको वो समझ आ गया होगा मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।